Welcome you all to the next session of marketing of your FY BCom, that is marketing and salesmanship. In today's session, my dear students, we will be completing the concept called as comparative study on modern and old salesmanship. Before moving to the comparative study of what was old concept of salesmanship and in modern concept how it is different from the old, हम सिर्फ फोकस करेंगे कि मीनिंग क्या था सेल्समैनशिप का. या मीन्स वी विल जस्ट रिवाइज व्हाट इज सेल्समैनशिप. सेल्समैनशिप इज़ नथिंग बट एन एबिलिटी टू परसीव, टू कन्विंस द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट एट द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस एट द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, सॉरी एट द प्रॉफिट टू द कंपनी एंड बेनिफिट टू द कंज्यूमर एट लार्ज. दिस इज salesmanship. Now we'll go through the modern and old concept. First we'll see what is the old concept, then we'll go to the modern concept. In old concept, manifestation of cheat. In the past, salesman was not unbelievable as they were known for fraud, dishonesty, cheating. मतलब क्या है, अगर देखो पहले हमारे घर पे सेल्समैन आता था तो हम उसको क्या करते थे, अरे दरवाज़ा बंद कर दो, वो सामने वाला बेचने के लिए आया हुआ है और ये लोग ऐसे उल्लू बना के पैसे लेके जाते हैं, ऐसा हम लोग समझते थे पहले, राइट. एंड इट वाज राइट बिकॉज व्हाट पीपल यूज़ टू डू, दे यूज़ टू कम एट होम, दे यूज़ टू सेल्स फेयरनेस क्रीम, लोकल फेयरनेस क्रीम, लोकल लिपस्टिक्स, लोकल हेयर क्लिप्स, लोकल क्लीनिंग एजेंट्स. And they used to take much amount from us and they used to never return or turn back towards us again if we want to launch the complaint about the bad or ill effects of that product. But today it is not so, right? Okay. The Greek called us retailer as falsificator and Roman as cheat. Greeks log kya bolte the pehle? कि ये फॉल्सिफिकर है. फॉल्सिफिकर मतलब कि ये सब गलत बातें करता है, झूठ बात करता है प्रीवियस सेल्स पर्सन. एंड रोमन वाले बोलते थे कि ये चीटर होते हैं सेल्स पर्सन लोग. चीटर दे कम, दे सेल दे प्रोडक्ट, दे चीट द पीपल, दे टेक द मनी एंड दे गो. ओके. इट वॉज ट्रू एज मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एडवेंचरस वर प्रिटेड इंड्यूस्ड इन वेसल अटैक्स, killing the crowds and selling the cargoes. They would goods to the extent of scuttling the vessels to hide their crime and tracks. ये पहले वाला था. Next क्या है, absence of a set price. और सेल्स पर्सन जो सेल्समैन था वो जो प्रोडक्ट सेल करता था उसके ऊपर MRP भले 120 रुपीस, 130 रुपीस पर पीस लिखा हुआ होता है, बट दे यूज़ टू सेल इट एट 30 रुपीस, 40 रुपीस, 50 रुपीस एंड दे यूज़ टू गो एंड वी यूज़ टू बी हैप्पी. एग्जांपल, इफ़ यू टेक लैक्मेस प्रोडक्ट, अ लिपस्टिक, द लैक्मे लिपस्टिक विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 250. बट वेन यू सी टू द लोकल मार्केट्स, यू गो एंड दे सेल अंडर द नेम ऑफ लैक्मे the lipstick only because of the outer color we are being cheated and that product is being sold at 120, 130, 140 and we are like wow, Lakme ka product jo market mein on the proper websites it is being costing us rupees 300 and here the product is for 120 and we tend to take the product. This is how the people are being cheated with the rates. MRP rates at 200, 300 and we are getting that product at 120. Why? Because ये sales person पहले के ऐसे होते थे, they used to cheat the people. The goods which were default is did not enjoy any fixed price. और उसका कोई fixed price नहीं होता था क्योंकि वो defaulters होते थे, custom में पकड़े हुए माल होते थे जो हमें sell किए जाते थे and therefore it does not have any fixed price. It was but natural that goods were scarce and the demand outstripped the supply. That gave the golden opportunity to this sales to make buy. और क्या होता था कि हम जैसे लोग हैं, आज भी देखो फ्लावर सेंटर के सामने अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कॉस्मेटिक्स वाले बैठे हुए रहते हैं. दैट कॉस्मेटिक्स पीपल सेल लैक्मेज प्रोडक्ट विच इज़ कॉस्टिंग एट 500, 400, दे सेल इट एट 120, 110, 130 एंड वहाँ पर लोग आते भी है परचेस करने के लिए. क्यों? क्योंकि और वो लोग लाते भी है. क्यों?
क्योंकि लोगों का डिमांड है. तो दे टेन टू सेल मच ऑफ प्रोडक्ट एंड अर्न मोर ऑफ प्रॉफिट. दे डू नॉट हेजिटेट टू टॉक फुल एडवांटेज ऑफ द रेयरी एंड द स्केयरी ऑफ द सप्लाई. द प्राइस वर अनअफोर्डेबल. दिस रिजल्ट इन प्राइस हैग लैगिंग और बार्गेनिंग. वन ट्राई टू स्केच टू मच दस वन फोर्स्ड एनकरेज अनदर. कभी कभी क्या होता है कि MRP से ज़्यादा भी वो स्क्रैच आउट करके ले लेते हैं. मार्केट में वो प्रोडक्ट मिलता है 40 rupees एंड सच सेलर्स सेल विद द बगिंग वर्ड्स द सेम प्रोडक्ट एट 100 rupees एंड फेस मोर एंड प्रॉफिट एंड दे गो ऑफ. लो ग्रेड एक्टिविटी. और जो वो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका एक प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं होता है प्रोडक्ट का कुछ भी. सेलिंग लाइक मैनी अदर वेज ऑफ लाइफ वॉज लुकड डाउन अपॉन एज अ डार्गिंग एंड डिसऑनेस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीवुड. द सोसाइटी ऑफ दिस डेज लुकड एट सेल्समैन विथ कंसेप्ट एंड डिसरिस्पेक्ट. राइट. इट वॉज बिकॉज ट्रेडिंग इट्सेल्फ वॉज थॉट एज एन एक्टिविटी ऑफ डिस्क्रीट एंड द सेलर्स बींग द पार्ट एंड द सेलिंग बींग द पार्टी टू इट. The position of a salesperson on a social scale was of the lowest in terms earning and mobility. It was considered as low grade time and the person were to move from one place to another and person to person make their livelihood. It was true that salesmen were low paid employees. और salesman का क्या होता था, जब भी कोई organization hire करना है सेल्स पर्सन को, तो जैसे कि लोग उनको देखते थे डिसऑनेस्ट डिसरिस्पेक्ट के नज़रिए से, तो उनका काम भी वैसा ही किया होता था कि वो प्रोडक्ट को लेकर जाते थे एंड दे यूज़ टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे यूज़ टू वंडर फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस एंड दे यूज़ टू ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट. एंड द पर्सन who were employed as a salesperson was very low paid because the people were not having interest into it. They were disinterested and therefore the company which were hiring salesperson previously was paid very low. Absence of publicity. Most of the commodities were sold in small general stores. These were limited to traveling salesmen. The trading commodity did not rely on advertising and publicity. The method of sales were sailed by display and sales by inception on the spot. Even the shops did not use attractive fixtures and furnitures, artistic decorations and painting. The concepts of window and counter, the concept of window and counter display were very crude in form. More an art. Selling was taken as an art, more so as gift than acquired skill. Accordingly, good salesmen were born but not made. They was not deliberate attempt to learn the tricks of the trade. There was not such scientific training. It was not called as a science and a profession as it is done today. Thus, a son of a salesman would become a salesman by birth and a family occupation. There was no deliberate attempt to identify it as a science and a profession. As a result, salesmanship does not flourish at the place accepted in the past. पहले क्या होता था, salesmanship को as a science, as a profession की नज़रिए से नहीं देखा जाता था. जो इंसान सेल्स पर्सन था उसी का फैमिली का बच्चा सेल्स पर्सन बन जाता था और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग, पर्टिकुलर वर्कशॉप, ऐसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था सेल्स पर्सन को. और सेल्समैनशिप को कभी भी ऐसे प्रोफेशनल या फिर एक आर्टिस्ट या फिर ऐसे स्किल्ड पर्सन या फिर ऐसे उनको कभी भी ऐसे दिलचस्पी नहीं दी ली जाती थी कि उन्हें कोई टैक्टिस दे ट्रेडिंग की, उन्हें कोई स्किल सिखाए ट्रेडिंग का. नो, वो जो सीखे हैं सीखे और वो जैसे दिए दिए. बट टुडे सेल्समैनशिप इज़ नॉट लाइक दैट. सेल्समैनशिप हैज़ गेंड अ प्रोफेशनल थिंग. सेल्समैनशिप हैज़ बिकम एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टुडेज वर्ल्ड. क्लियर. मॉडर्न सेल्समैनशिप. अब मॉडर्न सेल्समैनशिप कैसे, पहले के सेल्समैनशिप में कैसा था, लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे, डिसऑनेस्ट, चीटर्स, रूमर्स, फॉल्सिफिकेयर बोलते थे, उनका लो पेड सैलरी होता था, वो ना आर्ट साइंस को प्रोफेशन करके डिक्लेयर नहीं होते थे. क्लियर टू इट. ओके. बट टुडे
modern salesmanship, unlike old salesmanship, is characterized by the feature of development, refreshment, and modernity. Today the salesmanship is honorable, challenging, rewarding, and a professional career. Today he is not more a bulk baker rider, but a ringer of doorbells. Today's sales people are dynamic power in the world of business. They generate more revenue in any developed and developing economy than other worker in any other single such sites profession. The outstanding attributes are, देखो पहले क्या होता था कि सेल्स पर्सन को सेलिंग के लिए ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता था. दे यूज़ टू कंसिडर्ड एज एन डिसऑनेस्ट, डिसरिस्पेक्ट, चीटर्स बोलकर लोग अपना डोर बंद कर देते थे. बट टुडे सेल्समैनशिप ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं किसी भी कंपनी को. तो फर्स्ट है मैंसिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑनेस्टी. Honesty is the best policy, the rule of the business world. Here, honesty does not mean judicial honesty. That is, each salesmanship is honest and truthful to the extent he is expected to be honest. That is, he tells, demonstrations, displays, convince by plus points of the product and service. He never blames the product of others. He says that these products are best. His products are best without milling the state of others. This approach attribute has made the consumer to believe him as a friend and guide in making wise purchase. Consumer has needs that can be met and problem that can be solved by purchasing goods and services. Salesmanship seeks to uncover potential or existing needs or problems and show how to use their products or service can satisfy these needs or solve the problem honestly. देखो मैंसिफिकेशन ऑफ कमर्शियल ऑनेस्टी मतलब क्या है. पहले कंज्यूमर पहले जो सेल्स पर्सन होते थे पहले का जो सेल्स पर्सन होता था उस पर लोग इतना भरोसा नहीं करते थे. बट टुडे सेल्स पर्सन वाइल सेलिंग द प्रोडक्ट और वाइल मार्केटिंग अबाउट द प्रोडक्ट ही नेवर सेज दैट द अदर प्रोडक्ट्स आर फॉल्स और अदर प्रोडक्ट्स हैज बैड कैरेक्टरिस्टिक्स. वेर इन ही ट्राइज टू फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. ही ट्राइज टू guide the consumer while making purchase. He tries to guide the consumer on proper product purchasing and therefore the consumer tries considered salesperson as a friend rather than the dishonest person. A respected profession. Today, salesmanship is not looked only as an art and science but as a respected profession of high order. A professional process is arts and science. A profession warranties acquisition of specialized knowledge, application of knowledge acquired, presence and respecting of a code of conduct and service to the commodity, then self-interest for a reasonable remuneration. Though on the framework of these essentials and requisite, salesperson is professional, challenging, rewarding, respecting and abstracting. Today successful are professionals, men who have mastered the art and the science of selling and sales management. Today we came across colleges and universities department which ready to groom the youngs into able for the salesperson, saleswoman to shoulder the responsibilities of harming the wheels of the economy, particularly the giant wheel, namely sales. Community does not look down upon the career of salesman. It is an entry point and an able salesman may be tomorrow's sales manager, sales general manager or even managing director. It is a matter of interest, intelligence and industry that has taken it in to a such an height. Pehle profession nahi considered kiya jata hai. Today it is been considered as an art, science and profession. अभी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस डेवलप्ड हो रहे हैं जो सेल्स पर्सन और सेल्स वुमन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज आगे उन्हें एज अ प्रोफेशन लाइक जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के जैसे पोस्ट मिले. क्लियर. Having heavy reliance on advertising. Today the salesman and salesperson rely heavily on advertising, the concept part of product promotion mix. This is not means that he does not bank on sales promotion media. The sales promotion of today's salesman is largely pinned on powerful force of advertising. If he is the versatile actor
Advertising creates the stage, and the stage efforts for illustrating success of his. He depends upon indoor, outdoor, direct and proportional advertising media and media vehicles so much so that goods are pre-sold. That is why advertising has been highly described as a salesman in print. For one entire shop today, it is easy to realize the deep impact of promotion publicity such as in window and counter display, showroom and showcase, fair and exhibition. To each these outlets, print media, telecasting, broadcasting, film and outdoor media are a must. That is, today the work of salesman is much more easy than before. पहले से ज़्यादा तो सेल्समैन का काम ईजी हो चुका है, क्योंकि सेल्समैन अभी एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेता है. वन प्लेस पॉलिसी विद द इंस्टॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड फेथ द ओल्ड सिस्टम ऑफ बार्गेनिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन प्राइस सिस्टम एज द मैन्युफैक्चरर्स एंड द डीलर्स अनाउंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन एडवांस इन द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑन द पैकेजिंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ हाई लॉगिंग इज फास्ट डाइंग. Moreover, the change concept of self-service has revolutionized the marketing practice. Today, one who begin to look down upon bargaining is more an act of without and responsible, a silly narrow mindset in this age of abundance and plenty. The practice of one price has also resulted in other guaranteed and warranties, as many bags speaking of honesty of purpose and action in the consumer dealing. This has resulted in saving of valuable time of both the seller and buyer. देखो पहले क्या होता था कि लोग प्राइस को हैक करते थे, राइट. बट टुडे प्राइस पहले से डिक्लेयर हो जाती है प्रोडक्ट की थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू द पैकेजिंग. तो कंज्यूमर जो सेल्स पर्सन होता है उसको प्राइस के ऊपर फोकस करना बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज प्राइजेस आर ऑल सेट. ही जस्ट व्हाट ही डू, एक ही प्राइस रख के वो वारंटी और गारंटी पर फोकस करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है. और जो लोग आकर बार्गेनिंग करते हैं उन्हें आज के सिचुएशन में नैरो माइंडेड कंसिडर किया जाता है. देन वाइडेस्ट अब्सॉर्बमेंट. The salesman of these days is built on the maximum consumer satisfaction. The key is to improve consumer satisfaction, to choose variety and opportunity to select. Any dealer and his salesman is providing this facility of widest choice by making available on the counter a variety of product in a given pocket product line. The choice is as to price, quality, size, demonstration, color, combination, aroma, weight and so on. The range of selection is so wide today that finally it is the salesman who is to help the consumer in selecting a particular product. In effect, a salesman is the pre-purchase officer of a consumer, a counselor, a guide. The emphasis is on large-scale volume through rapid stock turnover via increased consumer satisfaction. Sales of service is another outstanding feature of modern salesmanship. A service is an intangible and impersonal activity and anticipated satisfaction who is offered for sales, either as such or in connection with the sales of goods. This can be broadly closed as consumer and industrial. The instant of consumer service are hotel, food, personal care, entertainment, transportation, communication, insurance and finance. Similarly, the example of industry service are transportation, warehousing, insurance, finance, engineering, advertising, sales promotion, consultancy, office source, etc. Personal selling has upper hand in promoting the sales of service, both consumer and industrial. A service salesman need higher degree of knowledge and skills and acumen of salesmanship. A service, a product for services, a product
and have to be considered physical entries. You may be consultant, a designer, an artist, or an advertising account executive, or any other serviceman in an industrial field. You must be able to position your service so that the potential buyer understand it, the relation to his need and to be the competitive offerings. इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी हो ज़िंदगी में, आप एक डिज़ाइनर हो, एक आर्टिस्ट हो, एक डॉक्टर हो, बट अगर आपको आपकी सर्विस लोगों के सामने रखने और उनको कन्विंस करना नहीं आता है तो यू आर नॉट अ गुड सेल्स पर्सन. इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड सेल्स पर्सन इन फ्यूचर, यू शुड बी एबल टू पुट योर सर्विस और योर क्वालिटी और योर गुड्स इन अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर and should be able to make or link the product to the needs of the consumer so that the prospective consumer can go with your product. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home. Be safe.